बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन लोगों को दो दिन दरबदर किया गया है। आपको मालूम है कि पूरे शहर में, आप खाली शहर में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक ज़िले में, हर एक वार्ड में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार ने एक प्रोग्राम किया था, माई टाउन माई प्राइड, जो कि 5 और 6 तारीख को था। 5 तारीख जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, हर एक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, नियर अबाउट 35 डिपार्टमेंट से जिनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे और जो विजिटिंग ऑफिसर्स वहाँ पे भेजे गए थे। पब्लिक का भी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा, जो हमारे इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स हैं, ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने पब्लिक को वहाँ बुलाया था, ग्रीवेंस सुनी गई थी, ग्रीवेंस को मैंशन किया था कि जो वहाँ का नोडल अफसर था उसने वो लिखा है ग्रीवेंस क्या क्या है, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस किस वार्ड में। इन्होंने डिफरेंट वार्ड्स में ये प्रोग्राम रखा था जहाँ पे 5-5, 6-6, 7-7, 10 कॉर्पोरेटर भी रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोग्राम को सब अटैच किया गया, फेल करने की कोशिश की गई, बल्कि फेल किया गया है। अगर विजिटिंग ऑफिसर्स को गवर्नमेंट का ऑर्डर था, आप 2 दिन इन वार्ड्स में जाके पब्लिक की ग्रीवेंस सुनो। सरकार ने इस पर इतना पैसा खर्चा किया, इतनी मेहनत की, 1 हफ्ते से ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन आप मुझे खुदारा बताइए हमें क्यों बुलाया गया था कि 6 तारीख को आप 12:30 काउंसिल हॉल पहुंचो और ऑल विजिटिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया था कि आप यहां पे आ जाओ। तो अगर आपको यहां पे प्रोग्राम करना तो क्या मकसद था आपको 2 दिन लोगों को वहां पे दरबदर करना? पहले दिन तो लोग आए थे, ग्रीवेंस की थी, लेकिन जब सेकेंड डे लोग आए थे, पब्लिक आई थी, उनको सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वेट करना पड़ा, कोई विजिटिंग ऑफिसर वहां गया नहीं, कोई इलेक्टेड कॉरपोरेटर, जो कॉरपोरेटर यहाँ बुलाए गए थे वो यहाँ बैठे थे। अब जहाँ जहाँ पे कॉरपोरेटर्स बैठे थे लेकिन उनका विजिटिंग ऑफिसर नहीं था, ग्रीवेंस सुनने के लिए कोई नहीं था। इसका क्या रीज़न है, क्यों सरकार, जो ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को क्यों फेल किया गया था? खाली श्रीनगर में ये क्यों परेशानी है? अब हमें थोड़ा सा इसमें एक डाउट है। डाउट ये है कि आप लोगों को, आप तो मीडिया से, आपको पता है सबसे ज़्यादा जहाँ पे गैदरिंग थी वो वार्ड 5 मैरिज हॉल बागवानपुर में था, जहाँ पे मैं खुद बैठा था, हमारे ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब थे। मेजॉरिटी ऑफ ग्रीवेंस वहाँ से आई, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहाँ थे, आप वीडियो चेक कर सकते हो, फुटेज चेक कर सकते हो कितनी गैदरिंग वहाँ पे थी। या तो ये लोग डर गए कि जो पैसा सरकार ने इसके लिए भेजा, टोटल जो पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को है, आधे कह रहे 40 करोड़ है, आधे कह रहे 58 करोड़ है, अब जितना भी पैसा आया था, या तो इनको ये डर लगा कि अगर हम वार्ड्स में ये प्रोग्राम करें वहाँ से ग्रीवेंस आ जाएंगे, ये पैसा हमें फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे दिन प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, विजिटिंग ऑफिसर को इधर बुलाया गया ताकि कोई ग्रीवेंस ना लिखे। इनको दिमाग में ये था कि ये पैसा बच जाएगा, फिर जहाँ पे मर्जी हम वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, खर्च 1 करोड़ दो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए थे, ग्रीन बेल्ट में पैसा लगाया था, यहाँ पे भी ये वही करना चाहते थे। मैं आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूँ, LG साहब से गुजारिश करता हूँ, हमें कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है? क्या हमें ये डायरेक्शन फॉलो करें? यहाँ का सेक्रेटरी ऑर्डर निकालता है 6 तारीख को अपने वार्ड्स में रहो अलॉन्ग विद विजिटिंग ऑफिसर्स, हमने लोगों को वहाँ बुलाया कि हम ये डायरेक्शन फॉलो करें? ऑनरेबल मेयर साहब हमें यहाँ पे बुलाए, आज तो कोई काउंसिल लगी नहीं, कोई कम्युनिटी फंक्शन नहीं है, आज क्या मजबूरी थी इनको 6 तारीख को प्रोग्राम कॉरपोरेशन हॉल में? बदकिस्मती यह है कि हमारे DC साहब भी वहाँ पे थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब वहाँ पे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, कौन सी डायरेक्शन हमें फॉलो करनी है, कौन सी डायरेक्शन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रही है? ये इतना बड़ा प्रोग्राम था, इसके लिए इतने फंड्स आए थे, इतनी मेहनत की गई थी इस प्रोग्राम के लिए, हालांकि जो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स 2 दिन जिनको बुलाया गया था वो बराबर आए थे, उनकी अटेंडेंस अब चेक करो, लेकिन पब्लिक को, ग्रीवेंस सुनने वाले तो विजिटिंग ऑफिसर्स थे, ग्रीवेंस सुनने वाले तो वहाँ के ऑनरेबल कॉर्पोरेट्स थे, इस प्रोग्राम को क्यों फेल किया गया था? थैंक यू वेरी मच।